तेज बोल तो बीजेपी वाला मारने आता, पूछ को मारता, क्या तू आले दिसु, तू कुरैश, तू सुन्नी नहीं, मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में। इमाम की तनख्वाह क्या है? 5,000 7,000। म्युनिसिपैलिटी में झाड़ने वाले को दे रही 25,000। दुनिया देखते रही वो लाश को, 300 साल पुरानी, कफन को मट्टी तक नहीं लगी, जिसम उठे खुशबू। चीफ मिनिस्टर डर गया, झोपड़ी में सोए तो भी नींद आती, ताजमहल में सोए तो भी नींद आती, लेकिन खबर अच्छी होना। एक साल पहले जब मैं एनआरसी की मीटिंग करा, उस वक्त बोला था मैं, मोदी अमित शाह तेरा बहुत शुक्रिया बाबा, तू एनआरसी लाया, 70 साल से मैं उलमा को एक नहीं कर सका, तू एक दिन में सबको एक कर डाला। कुमार स्वामी देवगढ़ को मैं ला तो मिर्ची छोटी रहती, तेज ज्यादा रहती। 100 साल के गीदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर की जिंदगी बेहतर है, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मकसद है, मैं चाहता हूं कि ये उलमा की तंजीम पूरे रियासत की एक तंजीम हो, और हमारी आबादी रियासत में 1,35,00,000 है, हमें नंबर 1 है। हमारे बाद दलित है, उसके बाद लिंगायत है, उसके बाद वकलिया है, उसके बाद कुर्बा है। नंबर 1 आबादी होने के बावजूद 2,65,00,000 का बजट है, उसमें हम ना मिलते 200 करोड़, और दलित उनको मिलती 30,000 करोड़, बैकवर्ड को मिलता 20,000 करोड़। जब मैं खुद डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, मैं खुद प्लान बनाता था 4 साल, सिद्धरामैया चेयरमैन था, वो चीफ मिनिस्टर था, मैं डिप्टी चेयरमैन था, मैं बोला कि भाई इस कौम को भी कुछ दे, तो बोले तुम्हें प्लान बनाओ। 7,000 करोड़ का प्लान बनाया मैं, वो देखते बोले इतने पैसे, मैं बोले हां। 224 तालुके में अंजुमन बनाते, हर अंजुमन को साल का 10 करोड़ रुपए देते, 2,400 करोड़ हुए, और 2,000 करोड़ रुपए मसाजिद खबरस्तान अयम्मा की तनख्वाह। इमाम की तनख्वाह क्या है? 5,000 7,000। म्युनिसिपैलिटी में झाड़ने वाले को दे रही 25,000। तुम्हें नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे पीछे मिनिस्टर भी इमाम है, वो मुक्तदी है, मालदार भी है, और तुमने दे रही तनख्वाह 7,000 8,000 9,000। 980 में मैं ये उठाया था, आज भी वक्फ बोर्ड के अंदर रिकॉर्ड है। मौलाना अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उस वक्त हम तनख्वाह फी फिक्स करे थे 80 में 15,000 रुपए इमाम को, हाफिज कुरान को 25,000 रुपए, मौजन को 10,000 रुपए, 25 साल सर्विस, सर्विस के बाद पेंशन, आधी तनख्वाह उनकी पेंशन हो। तो उस वक्त गवर्नमेंट चले गए दिल्ली के, जो हजरत थे जो अयमा की तंजीम बनाया, उनको बुला के उस वक्त मैं 50,000 रुपए देकर सुप्रीम कोर्ट में रिट डालने लगाया, क्योंकि मेरे बाता किरामन कातिबिन रिकॉर्ड कर रहे, अल्लाह को भी मैं जवाब देना पड़ता।
उलमा के सामने बैठ के मैं ये बयान कर रहा हूं। और एक बात आप याद रख लो, दूसरों की दुनिया के लिए कभी मैं मेरी आखिरत को बर्बाद नहीं कर लेता। मेरा नजरिया है मेरी आखिरत मैं, खबर में मैं जवाब देना। आज ये इतनी जद्दोजहद जो कर रहा हूं, ये भी अल्लाह के सवाल के जवाब की जद्दोजहद है। ये भी तुम्हारे ताकत दिया था मैं, तुम करे क्या? तो ये काम इसलिए आज मुझे सियासत के अंदर जो जो होना चाहे, जैसी जिंदगी, यस 70 साल 80 साल झोपड़ी में सोए तो भी नींद आती, ताजमहल में सोए तो भी नींद आती, लेकिन खबर अच्छी होना। मैं हर वक्त यही बोलता हूं, अरे 50 करोड़ का घर, रूह गई नाम बदल जाता। सीएम इब्राहिम साहब कर बोलते नहीं, मुर्दा मैयत, मैयत को कब उठा रहे? इब्राहिम साहब उठा रहे कर पूछते नहीं, साबिक मिनिस्टर को कब उठा रही कर पूछते नहीं, मैयत को कब उठा रही? अब मैं आई हूं 50 लाख की गाड़ी में, सफर करता हूं किसमें? मस्जिद का पलंग। वो कौन तो मालदार रास्ता खरीदा पलंग, चंदे का पलंग और खुद साहब की भीख की जगह। कौन की दिए सब भीख की जगह? हर आदमी वहां सोया, मैं भी सोना। मिनिस्टर की खबर, एमपी की खबर, नहीं खबर खबर, अंदर की हालत क्या है खबर वाले जाने और अल्लाह जाने। तो आज हमारी तैयारी ये होना, तुम्हें कितना भी हो हमें घर वाले कर रहे हैं। हमेशा मजाक से पूछते, बीवी से पूछो, इतना प्यार से बीवी को देख रही, 6.5 लाख दे रही, खिला रही, मैं मरे के बाद 3 दिन मन जा इसमें रख ले, देखते क्या जी कर पूछो, नहीं जी देखने होता नहीं, डर होता कभी, कपड़ा से नफरत आ जाती, मुर्दे के कपड़े, मुर्दा सोए सो हासिर तक छीने तैयार नहीं, घर के बाहर चढ़ डालते। ये मेरी और आपकी हालत, ये अगर अच्छी हो ना, अल्लाह तबारक व ताला हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, इस्लाम के अंदर दो बड़े चीजें हैं, हुकूकुल्लाह में कोताही अल्लाह माफ करता, हुकूकुल इबाद में अगर कोताही आए अल्लाह बोलता मैं नहीं माफ करता। जो है किसका पैसा कहियो उन्हें मुझे माफ करना, मैं वो बोलता ईएमए वाला कितने के पास माफ करेगा? एक मिनिस्टर पैसे खा रहा, कौन भी देख रहे नहीं, लेकिन अल्लाह तो देख रहा। कभी भी हराम के पैसे में चंद सेकेंड का मजा रहता, लेकिन पूरी जिंदगी खबर के अंदर जो है अजाब रहता। तो हुकूक लिबाद का एक हिस्सा मुझे अल्लाह ताकत दिया बोलने की, ताकत दिया पूछने की, क्या मैं पूछ रहा हूं? आज खबर में है उबली में लाश निकली 300 साल पुराने, कफन को मट्टी तक नहीं लगी, पूरे जिस्म उठे खुशबू, चीफ मिनिस्टर डर गया, आज जाको खबर के खदम उसी कर को आया। अल्लाह को यह दिखाना था मेरे चाहने वालों की लाश कैसी रहती है, दुनिया आज देखिए। इससे हमें इबरत हासिल करना। हालांकि वो बुजुर्ग चाहते मट्टी तक नहीं कोई छीन सकता था, अल्लाह अगर चाहता मिट्टी तक नहीं छीन सकता था, लेकिन खुदावंद खुद्दूस की मसलियत थी कि दुनिया देखते रहे वो लाश को, नहीं 300 साल पुरानी, हड्डियां बोटियां अलग अलग हड्डियां निकलना था।
अल्लाह वाले उनकी जिस्म की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करता। मेरी और आपकी जिंदगी ऐसी हो, खुदा से दुआ कर आखिरत अच्छी हो। तो मेरी कोशिश यही है कि एक बार मुझे मौका मिल रहा है कर्नाटक में, इंशाअल्लाह मेरी हुकूमत बनती, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह वालों का फैसला है। और यहीं से आवाज पर दिल्ली को जाना, पूरे आले देश तबलीग बरेलवी देवबंद, मैं हर वक्त तेज बोलता हूं, बीजेपी वाला मारने आता पूछ को मारता, क्या तू आले देश, तू कुरैश, तू सुन्नी नहीं, मारा खा रही होलसेल में, खिदमत कर रही रिटेल में, ये नहीं होना। मसला का अपनी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मसाइल के बुनियाद पर आज एक होना जरूरी है। तो जब गवर्नमेंट बनती इंशाल्लाह, और एक मीटिंग जनवरी के महीने में कुमार स्वामी देवगौड़ा को मैं लाता हूं, वो मुझे वादा किए हैं साल 7,000 करोड़ रुपए बजट देती हूं पहले साल, 7,000 करोड़ रुपए। कौन भी ताल्लुक से बेंगलुरु को आने की जरूरत नहीं, मस्जिद बनना अंजुमन फैसला करना, बच्चा पढ़ रहा स्कॉलरशिप देना अंजुमन फैसला करना, गरीब की शादी है पैसा होना अंजुमन फैसला करना, अंजुमन को अर्जी दो, बेंगलुरु से चेक अंजुमन को आते, अंजुमन वाले बच्चे को बुला को चेक देते। 7,000 करोड़, हजरत बोले उल्मा की एक कॉलोनी बनाओ माशाल्लाह, ये गांव में कम से कम वक्फ बोर्ड की तरफ से 20 उल्मा के मकान हर साल बनने का इंतजाम करा था इंशाल्लाह। वक्फ बोर्ड को एक्ट तरमीम कर रहा हूं मैं, वो कैसा करना ये उल्मा तुम्हें सजेस्ट करना। मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारी एक बाड़ी बनाओ, जो एमएलए मिनिस्टर बनता उसे बुलाओ, उसे हिसाब मांगो क्या काम कर रहा तू, तुम्हें घर में नौकर को रखते, उसके काम को देखो, कुछ महीना महीना धरमा देते। एमएलए छोटा नौकर, मिनिस्टर बड़ा नौकर, चीफ मिनिस्टर महानौकर, मतदा दाना वोट की खैरात, तुम्हारी खैरात ले को वो भिखारी जो है एमएलए बनता, उसके 5 साल हयाती, तुम्हें बनाने की मशीन तुम्हें, तो तुम्हें उसे बुला को पूछना, 5 साल हमें तुझे वोट दिए, तू क्या काम करया, आज तक ये कौम हिसाब नहीं मांगी, स्वामियां मांगते हैं आज, लिंगायत में, वकीलगा में, दलित में, अपने लीडर से वो कौम हिसाब मांगती, ये की हमारी कौम है जो हिसाब नहीं मांगती। बस साल के 5 साल में 2 महीने में आको तकरीरा शायरी कर को गए तो किस्सा खत्म, फिर उसके बाद आया भी नहीं गया नहीं, तो ये नहीं होना। तो उसने मैं मस्तान साहब से और जितने उलमाए कराम है, खुसूसन हमारे बाबा जी है, हजरत है चेयरमैन, एक फौरन मजबूत फाउंडेशन बनाओ, रियासत का टूर करो, तुम्हारी ताकत दिखाओ, और मुझे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ मुफ्ती अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद, जब भी जरूरत पड़ती उन्हें बुलाते मीटिंग करते, अब उन्हें जाने के बाद वो सिलसिला खत्म होगा। आज तक टैनरी रोड शबील इरशाद का खाता नहीं हुआ, आज तक सब मिनिस्टर आ रहे देखने जा रहे, और आज तक टैनरी रोड डबल नहीं हुआ,
कि 90% आबादी मुसलमान की है वहां। सिर्फ एक में करा, वो मेट्रो ट्रेन ऊपर से जा रही थी, मैं बोला ऊपर से गए तो क्रिश्चियना के खबरस्तान के सरकार रहता बाबा, हाईसोच रोड छोटा, जमीन के अंदर से जाओ तुम्हें, वो 21 जगह जमीन के अंदर से गए। अब लोग क्या बोले, इब्राहिम साहब उनके घर को सहूलत को कर लीजिए, पूरा कैनरी रोड शबील इरशाद एयरपोर्ट तक जो है जमीन के नीचे से जाते ऊपर नहीं आती हो, वो रोड डबल रोड होगा, वहां की एक स्क्वायर फीट की कीमत 30,000 रुपए होती, 80% कौम की आबादी है, सबसे बड़ा मदरसा वहां पर है, लोग वहां पर बसते हैं। तो ये इंशाल्लाह मेरे प्लान में है और मुझे यकीन है अल्लाह मेरे हाथ से काम लेता। और मैं चाह मिर्ची छोटी रहे तो तेज ज्यादा रहती, बड़े मिर्चे में तेज कम है। क्या जो है अच्छा मुखर्रर में माशाल्लाह हमारे बेंगलोर के अंदर 6-7 MLA को हमें ले जाए, शेबुल इरशाद के एरिया में 1.5 लाख वोट है हमारे, और केजीएल डीजीएल ने 1.25 लाख है वो रिजर्व कर डाले, शिवाजी नगर 70,000 है, हेब्बर 80,000 है, कम नहीं है तादाद हमारी। तो आज अच्छे कैंडिडेटों को जो है मेरी तलाश है, तुम्हें भी दो, और कांग्रेस वालों को बोला दो तुम्हें भी अच्छे को, जो ताउन तुम ना होना हमें करने तैयार है, बीजेपी को हराना। गए बार हमारी एक गलती से 30 सीटें बीजेपी के ज्यादा है, 21 फैसला कर डाले सब कांग्रेस को देना दिया, तो क्या कहते 30 जगह कांग्रेस नहीं है, जेडीएस थी वहां, जेडीएस बीजेपी फर्स्ट है, जेडीएस सेकंड है, मुसलमान के वोटों लगू भी कांग्रेस थर्ड को है। अगर मुसलमान जो बीजेपी को हरा रहा कर उसे अगर वोट दिए रहते तो बीजेपी के 70 होते, जेडीएस के 70-2 होते, कांग्रेस के 80-80 होता। कांग्रेस की जो है वो जनने की ताकत नहीं है, अब 70-2 साल हो गए अब नहीं है, वो रिबिल्ड कर 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 को टायर पुराना होगा। आज यूपी की पी गुलाम ने भी आजाद छोड़े कहीं को, क्योंकि जिस पार्टी में विखार नहीं इज्जत नहीं वहां पर एक मिनट नहीं रहना, 100 साल के गीदड़ की जिंदगी से एक दिन शेर की जिंदगी बेहतर है, टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। जब शहीद का इनो जयंती मने बोला, मैं हमारे में जयंती नहीं, बाजा बजाना नहीं, ढोल पीटना नहीं, तुम्हें जयंती करना रहा है तो हर मस्जिद को 25,000 दो, खाना पकाते आए थे कलिमा कुरान खाने कर को शहीद को बख्शते, खाना खाओ गरीबों वापस आते, पैसे देने तैयार नहीं, खाली बजा बजा लग फिर तुम्हें आज क्या हुई हालत। तो मैं डिक्लेयर करा कोलार के अंदर टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम को एक यूनिवर्सिटी कर्नाटक का गवर्नमेंट खुद बनाते कर बोल को मैं डिक्लेयर कर को इच्छा। शहीद अपने जगह है, हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 50 साल पहले जब शहीद के दरवाजे को जियारत करे, दरवाजे बंद करके 2 घंटे मुराकबा करे, बाहर आकर बोले शहीद को सुन्नत रसूल नहीं है, किसने कहा था, हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जमीयत उलमा आप बात कर रहे थे। तो ये शहीद की अपनी जगह, उनकी मजार के पास जाइए आप देखिए कितना सुकून है, कितनी जो है नूरानियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बगैर मुसल्ले के इमाम रह सका मैं, आधी जिंदगी मेरी सफर में गुजर गई, 2-2 रकात में हो गया, आधी जिंदगी कार में, आधी जिंदगी ट्रेन में, फिर भी मुझे
दिल को एक सुकून है कि मेरा अल्लाह मेरे आखिरत अच्छी करता। कलमे के साथ जो है हमारी मौत होती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार नसीब होते और अच्छों के सफ में आखिरत में जो है उनको खड़ने का मौका मिलता। ये यकीन जो है अल्लाह तबारक व ताला देता, क्योंकि तो हमेशा रूह को चार्ज करते रहते, मैं चार्ज होते रहते अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम और मेरी कौम दिल से दुआ करती। ये कौम की दुआ का सदका है। 70 साल हुए तो भी अभी बीपी में नहीं, शुगर में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए दे। तो जो है इतना ज्यादा तकलीफ है, रात को मुसल्ला बिछाओ, खड़ जाओ उसके पास में, अल्लाह सब सो रहे, तू नहीं सो रहा, मैं जाग रहा हूं, मेरे मालिक उनको दिया, बड़ी खुशी की बात है। मंजे भी दे मेरे मौला, मेरे घर को है तो मैं किसी भी नहीं वापस भेजता। तू इतना बड़ा दुनिया का बादशाह है, मंजे कैसा नहीं कर बोलता। तो अल्लाह भी हंसता चिंगा, क्या सवाल कर रहा रहे बोल के, मेरे मालिक का करम है। अल्लाह तबारक व ताला, मैं आप तमाम बुजुर्गों को, उलमाए कराम को, आपकी गरीबी है हिम्मत समझो, आपके आखिरत के अंदर जो है आपके हाथ पैर मुंह नूर से चमकते रहेंगे। चंद साल की जिंदगी जी, जिसके सीने में कुरान है उसके माँ बाप का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत के अंदर 2030 ये उलमा का साल होगा। 5 साल जो है तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा विकार, वो मुकाम कर्नाटक के अंदर दोबारा इंशाल्लाह हमें लाने की कोशिश करेंगे। बस इतना ही, उनको देखे बार बार, हमको देखो एक बार, यही हमारी दरख्वास्त तमाम उम्र से रियासत में यही कह रहे हैं। और जहां तक कुरैश जमात का है, नदाफ का है, इनको सब जो है रिजर्वेशन बाकायदा उस वक्त भी आज भी है। 4% रिजर्वेशन कौन भी छीन नहीं सकता। ये भी देने वाला देवेगौड़ा था, आपको याद होना चाहिए। आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं बदला सके उसे। 4% मुसलमान को गवर्नमेंट नौकरी में आज रिजर्वेशन है। 400 मेडिकल सीटा रहे, इंजीनियरिंग सीटा रहे, 4 कंपलसरी देखो होना मुसलमान को। ये केरला में है और कर्नाटक में है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो इंशाल्लाह यही माहौल रियासत कर्नाटक के अंदर आगे बढ़ेगा। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए